जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक SSC GD का सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें 25 मैथ दिया रहेगा। चल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 क्या कह रहा है कि एक महिला 11,700 रुपया की धनराशि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज से 16,848 रुपया हो जाती है। यानी कोई महिला है जो क्या कर रही है, 11,700 रुपया क्या रही है, ब्याज पे पैसा ले रही है। समय कितना लगा रही है, समय लगा रही है 2 वर्ष। और हमको धनराशि मिश्रधन के रूप में कितना उसे लौटाना पड़ रहा है, 16,848 रुपया उसे क्या कर रहा है, मिश्रधन के रूप में लौटाना पड़ रहा है। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो हमको दर पूछ रहा है। कह रहा है कि दर कितना होगा, आर बराबर हमसे क्या कर रहा है, वाट पूछ रहा है। आर बराबर हमको वाट पूछ रहा है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए दिया हुआ है 20% और बी दिया हुआ है 15% और सी दिया हुआ है 17.5% और डी हमको कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ 25%। 25% हमको डी दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए कि अगर हमको मिश्रधन दिया हुआ है, हमको ब्याज निकालना हो, सिंपल खाली ब्याज निकालना हो, SI निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, SI बराबर क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा SI निकल जाएगा। अब इसमें से घटाइए तो ये 48 का 48 हो जाएगा। देखिए 16,000 में से घटाइए तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमको 5,148 रुपया क्या हुआ, ब्याज के रूप में उसे देना होगा। ऐसा समझ में। अब आगे देखिए हम लोग कह रहे हैं समय 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक रेखा खींचेंगे और दो लाइन दो खाना बनाएंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे, दो भाग में मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमको क्या करना है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज ये चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना दे दिया, 5,148 रुपया हो गया। अब यहाँ पे कौन सा दर हम रखें ताकि हमारा दोनों के जोड़ने के बाद ना 5,148 रुपया आना चाहिए। मैंने फर्स्ट रख लिया 20% क्यों रख दिया, क्योंकि देखिए इसका कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 1,170 रुपया, यानी 20% कितना हो जाएगा 2,200 यानी 2,300 का करीब हो जाएगा, 2,300 × 4,600 यानी कुछ हमारा बन सकता है। इसी की वजह से मैंने क्या किया 20% रख दिया। अब 20% का मतलब 10% का मान पीछे से एक डेसिमल लगाएंगे तो 10% का मान निकल जाएगा, 10% का मान 1,170 तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई करें 0 × 0 7 × 14 × 4 2 × 2 = 3 हो जाएगा, 2 × 2 तो 2,340 रुपया। यहाँ 2,340 हो गया तो यहाँ भी क्या करिए 2,340 रुपया पुट कर दिए। पहला वर्ष में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट 0 होता है, इस पर ब्याज कुछ नहीं दिया जाता है। अब दूसरे वर्ष का फिर क्या करिए, ब्याजों पर ब्याज लगाइए। अब दूसरे वर्ष का ब्याज लिखना हो तो ब्याजों पर इस पर फिर 10% लगाइए तो 1% का मान कितना हो जाएगा 10% का मान 234 रुपया हो जाएगा तो 20% का मान कितना हो जाएगा 4 × 8 3 × 6 2 × 4 648 रुपया। अब टोटल हम अगर जोड़ देंगे हमारा CI निकल गया कितना 5,148 रुपया हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि यही हमारा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। अब टोटल को जोड़िए, CI जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 0 0, ये कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10 × 4 = 14 × 14 × 4 कैरी 1 हो जाएगा, 4 × 3 = 7 + 7 = 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 11 हो जाएगा कैरी 1, 2 × 2 = 5 5,148 रुपया आ गया। यानी हमारा यही दर हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा चला जाएगा एकदम, ये रेखा मेथड से एकदम आसानी से बना लीजिएगा। नेक्स्ट 52 क्या कह रहा है कि 4,650 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज से दी गई है, यदि ब्याज की दर 7.5% हो तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए ब्याज पूछ रहा है, यानी SI बराबर हो जाएगा P×R×T/100 हो जाता है, यही हमको फार्मूला पता है। अब प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 4,650 रुपया और R बराबर कितना दिया 7.5% और समय हमको कितना दिया हुआ 4 वर्ष, अपॉन 100 कर देंगे। अब देखिए ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे भी एक 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 × 3 = 75 हो जाएगा, 25 × 2 = 100 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 = 15 कैरी 1, 6 × 3 = 18 19 = 9 कैरी 1 और 3 × 12 = 13 हम गए 1,395 रुपया इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या करें, करें कि एक पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर देता है, सी जो है 12 घंटे में भर देता है, करें पाइप डी 40 घंटे में भर देता है, पाइप डी जो है ना 40 घंटे में भर देता है, तो अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि सी डी दोनों मिलकर कितने घंटे में पाइप को भर देंगे, टंकी को भर देंगे। तो अब दोनों को फर्स्ट क्या करता है, LCM निकालिएगा, LCM निकालने से टोटल वर्क निकल जाता है, LCM निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 120, तो 12 × 120 और 4 × 3 = 12 40 × 3 यानी ये हम कहेंगे कि एक दिन में टोटल काम हमारा कितना हो गया 120 काम हो गया। डी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी एक दिन में 10 काम कर रहा है, ठीक। तब कह रहे ना दोनों को लगा समय कितने दिन में दोनों मिल के वो टंकी को भर देंगे, तब समय बराबर क्या करेंगे, कुल कार्य हो जाएगा 120 और एक दिन में ये 10 काम कर रहा है, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, यानी टोटल एक दिन में 13 काम होगा, अपॉन 13 कर दीजिए। अब डिवाइड कर दिया, इतना दिन में हमारा क्या हो जाएगा, टंकी पूरा फुल हो जाएगा।
कर एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि घन घनाभ 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समान घन बनाए जाए तो कितने घनों की संख्या हो जाएगा। अब घनों की संख्या बराबर क्या होता है, घनों की संख्या बराबर होता है बड़ा घन का आयतन अपान छोटा घन का आयतन। अब कहने का मतलब क्या होना कि जब भी हमको घनों की संख्या निकालना हो, घनाभ की संख्या निकालना हो, कुछ भी निकालना, तो हम कहेंगे बड़े घनों के आयतन, जो बड़ा घन होगा उसको आयतन लिख देंगे और नीचे छोटा घन का आयतन लिख देंगे, दोनों से डिवाइड कर दे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। अब देखिए आयतन कैसे निकाला है, घनाभ का आयतन होता है एल गुड़े बी गुड़े एच होता है। अब हमको दे दिया है, एल का मान दिया हुआ 14, बी का मान कितना दिया 12 और एच का मान कितना दिया 8 दिया हुआ। अब छोटा जो है ना तो वो घन है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो घन की आयतन कितना होता है ए क्यू होता है, यानी भुजा क्यू होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब ये 8 से 8 कट जाएगा। अब देखिए 12 दूना 12 6 36 के 8 और 4 12 4 16 हम 168 क्या हो जाएगा घन हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एक पार्किंग के सभी वाहनों का औसत वजन 4000 kg है। सभी वाहनों का औसत वजन कितना है, कोई पार्किंग है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, कह रहा है सभी का औसत वजन 4000 kg है। अब आगे देखिए कह रहा है 12 वाहनों का औसत वजन 6000 kg है, 12 वाहन है जिसका 6000 kg है, कह रहा है शेष वाहनों का औसत वजन 3000 kg है, तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या हमको से पूछ रहा है। अब देखिए इसमें एलिगेशन बहुत मस्त लग जाएगा, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, एलिगेशन कब लगता है, एलिगेशन हम तब लगाते हैं जब हमारा क्या हो पूरा का औसत दे दे, दो संख्याओं का औसत दे और दोनों का मिक्सअप एक औसत दे दे, एलिगेशन लग जाए, दो संख्याओं का प्रॉफिट दे दे और दोनों का मिक्सअप एक प्रॉफिट दे दे तो एलिगेशन लग जाए, दो संख्याओं का दर दे दे एक दोनों का मिक्सअप दर दे दे तो एलिगेशन लग जाएगा। मतलब तीनों एलिगेशन में रहना चाहिए, तीनों एक जात में रहना चाहिए तभी हमारा एलिगेशन लगेगा। अब देखिए हमको क्या कह रहा है ना कि पहली दे दिया है कि 6000, कह रहा है ना 12 वाहन है जिसका 6000 औसत वजन है, और फिर आगे क्या कह रहा है ना कि कुछ वाहन और हैं, एक समय ने मान लिया जिसका वजन कितना औसत वजन हमको दे दिया 3000 और कह रहा है कि दोनों सभी वाहनों को औसत वजन दिया हुआ है 4000, यानी मिक्सअप हमारा यहाँ पे रखेंगे। अब बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो देखिए 2000 हो जाएगा यहाँ पे और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब ये कट जाएगा, हम कहेंगे 1 बराबर 12 दिया हुआ है, 1 बराबर 12 तो देखिए इसका 1 था और ये वाला जो 3000 जिसका औसत वजन है उसका अनुपात 2 है, यानी टोटल गाड़ी की संख्या अनुपात में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 अनुपात 12 तो 3 अनुपात 12 कितना हो जाएगा 12 36, तो हम कहेंगे टोटल पार्किंग में 36 गाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 56 में हमको इतना दे दिया है, ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन इसको बोला जाता है। अब इतना बराबर हमसे वाट पूछ रहा है, तो इसको बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका है, क्या शॉर्ट तरीका है, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। अच्छा इससे पहले जितना मैं वीडियो बनाया हूँ सब में ये वी बोर्ड मास का प्रयोग हुआ है, सब में दिया हुआ है, आप शुरू से लगा कर देख लीजिए, क्वेश्चन सेट नंबर 1 से मैंने टोटल आज सेट नंबर 11 डिस्कस करा रहा हूँ, टोटल पीडीएफ वहाँ प्लेलिस्ट में मेरे MMT क्लासेस चैनल पे जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सब वीडियो A to Z देख लीजिए, आपका SSC GD कन्फर्म सलेक्शन, टेंशन ना लीजिए। वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ये बार हो जाएगा, वी बोर्ड, वी का मतलब क्या हो जाएगा ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट तीन तरह का होता है, एक छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, एक मझला ब्रैकेट हो जाएगा, एक बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। ऑफ का मतलब का होता है, डी का मतलब भाग होता है डिवाइड, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, और ए का मतलब योग होता है ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव हो जाएगा, आए समझ में, आई बार हो जाता है, बी मतलब बार होता है, रेखा कोष्ठ इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठ, जिसके ऊपर नहीं होता है ऐसे 3+2 यहाँ पे रेखा लगा रहता है इसी को बार कोष्ठ कहा जाता है, ठीक है समझ में। अब देखिए पहले ऊपर वाला का काम होगा, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा नीचे वाला काम हो जाएगा, बी बोर्ड मास का यही रूल है। अब देखिए ये हमारा 80 है, अब देखिए माइनस से पहले क्या हो जाएगा, माइनस घटाव से पहले क्या है डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का काम होगा, यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया और -10, अब माइनस, अब देखिए माइनस से पहले गुणा का काम हो जाएगा, देखिए घटाव से पहले मल्टीप्लाई है गुणा है तो पहले क्या हो जाएगा गुणा, अच्छा देखिए गुणा से भी पहले ऑफ मतलब का काम है तो का पहले इसके बाद पहले होगा, अब देखिए का से भी पहले ब्रैकेट का काम है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको कैसे तोड़िएगा 1/3 हो जाएगा, ये भागा है ना तो इसको गुणा लिख दीजिए, आप पलट के लिख दीजिए,
3/10 ये कट जाएगा 1/10, ये टोटल का मान कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1/10। अब देखिए 5 × 10 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये 40 × 80 हो जाएगा, तो 2 − 10 − 2 ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा −10। हम कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, −10 आंसर आ जाएगा। अब 57 क्या कह रहा है कि 12 लड़के तथा 8 लड़कियों का कुल औसत कुल वजन 101,080 केजी है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 केजी है तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। अब देखिए कुल वजन का योग हमको दे दिया है, कुल वजन का योग हमको कितना दे दिया है 1,080 केजी, लड़का और लड़की मिला के 1,080 केजी है। अब कह रहे ना 12 लड़कों का औसत वजन 50 केजी दिया हुआ है, 12 लड़के का औसत वजन 50 केजी दिया हुआ है और 8 लड़कियों का ना औसत वजन पूछ रहा है, तो 8 × x कर देंगे, नहीं कर देंगे। देखिए 12 में 50 का गुणा करिएगा तो योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणा औसत, तो ये हमारा योग निकल गया, संख्या गुणा औसत यानी लड़की का योग निकल गया, ये लड़का का योग निकल गया और टोटल योग हमको क्वेश्चन में 1,080 दिया हुआ है, तो टोटल बराबर टोटल मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए आसानी से काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 × 8 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 4 × 8 4 × 7 = 28 270 हो जाएगा। अब देखिए ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 भी काट दीजिए, यहाँ से 2 कट जाएगा, हाँ 2 कट जाएगा, 2 भी काट दीजिए, ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 3 × 6 = 5 × 5 = 135 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 135 − 25 = 75, ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम कहेंगे लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा 60 केजी हो जाएगा। अगर एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। एक कोई वर्ग है ठीक, अब इसका कारण है कि विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। अब कारण है कि उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, कोई दूसरा वर्ग है, इसका विकर्ण ये हो गया, इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। इसका मान लीजिए x है क्षेत्रफल, तो इसका कितना है 2x है, क्षेत्रफल इसका क्या है दोगुना है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हम कहेंगे एरिया बराबर एरिया कर देंगे। अरे ये दोगुना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, आप लोग समझते नहीं है। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण को डायगोनल लिखते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर डी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट जाएगा। अब देखिए इसको क्या करिए, डी का मान इसका कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर और इंटू 2 हो जाएगा, अब बराबर डी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इधर मैंने ला दिया तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में आएगा तो ये 14 बाहर निकल जाएगा और ये √2 हो जाएगा, तो हम गए 14√2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे इसका वर्ग का क्या हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कर रहा है ना कि हमको एक ये हमको ग्राफ दे दिया है और ग्राफ में हमसे क्या कर रहा है कि महीना M4 का उत्पादन कारों की संख्या महीना 2 के उत्पादन के कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। महीना M2 का उत्पादन के प्रतिशत कितना, क्योंकि M2 के उत्पादन में कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी M2 से हमको कंपेयर कर रहा है, यानी नीचे क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा M4 हो जाएगा × 100 हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो आप देखिए M4 का मान कितना है दिया हुआ है, M4 का मान दिया हुआ है 24 और M2 का मान कितना दिया हुआ है 32/32 × 100 कर देंगे। अब देखो 4/32 हो जाएगा, 4×6 = 24 हो जाएगा, 4×2 = 8 और 25 हो जाएगा। अब इसको ये काटिएगा तो 3 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 25 × 3 = 75, हम कहेंगे 75% क्या है M4 जो है ना M2 का 75% है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, बी बोर्ड मास पे बनाएंगे, पहले बार का काम हो जाएगा, फिर ब्रैकेट का हो जाएगा, फिर ऑफ मतलब का हो जाएगा, फिर डी मतलब डिवाइड हो जाएगा, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए मतलब योग हो जाएगा, एस मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए तो 88 और डिवाइड से पहले क्या है घटाव है, तो पहले क्या करिए डिवाइड क्या करिए 44 ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा डिवाइडेड, 22 × पहले ब्रैकेट का काम होता है, रेखा कोष्ठ के बाद ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट का काम करते 44 × 88 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा
ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है। फिर ब्रैकेट का काम करिए तो ब्रैकेट का 1/2 हो जाएगा माइनस 1/4। अब ये भाग को क्या करिए, पलट के लिख दीजिए, गुणा करके साइन यहाँ पे गुणा लिख दीजिए, पलट के लिख दीजिए तो 8/1 लिख दीजिए, 2 × 4 हो जाएगा। तो 2 × 4 माइनस 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस तीन अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो 88 − 44 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44। अब ये हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब ये कट के हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये भाग है तो क्या करिएगा ना कि नीचे लेके आइएगा, 44 के नीचे चला आएगा तो 44 × 3 हो जाएगा। ये 44 और 44 कट जाएगा। अब देखिए 38 × 24 और 38 × 24 = 25 अपॉन 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 255 38 × 24 = 4 हाथ में लगा दो, 38 × 24 = 26 यहाँ पे 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 265/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना इतना इतना है। एलसीएम 60 दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 3। अब एक चीज देखिए, इसमें एलसीएम हमको इतना दिया हुआ है, एचसीएफ हमको इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए, पहले मैंने मान लिया कि फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब कोई भी संख्या में अगर एचसीएफ से गुणा कर दिया है तो वो मेन संख्या निकल जाता है, तो हमारा मेन संख्या क्या हो जाएगा 3x और 3y, एचसीएफ से मैंने गुणा कर दिया। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3x × y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमारा रेशियो के हिसाब से एलसीएम इतना है, क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम इतना हो जाएगा, ये काट दीजिए 30 × 60 यानी एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा था ना कि दो संख्याओं का अंतर हमको कितना दिया हुआ है, कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 3 यानी 3x और -3y बराबर 3 दिया हुआ है। तो देखिए, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x − y बराबर 3, ये 3 से कट जाएगा तो x − y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए, एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट लगता है, उस कंसेप्ट क्या कहता है कि x y का ऐसा मान रखिए कि जिसको घटाने पे 1 आए और गुणा करने के बाद 20 आए, तो x के जगह पे 5 रखिए और y के जगह पे 4 रखिए। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और देखिए यहाँ पे 5 रखिए यहाँ पे 4 रखिए तो गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 20 यानी x और y का मान हमारा क्या जाएगा, x का मान 5 जाएगा, y का मान 4 जाएगा। ठीक, अब देखिए x का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई किया 5 × 3 = 15 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 × 3 = 12 यानी पहली संख्या हमारा 15 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमसे योग पूछ रहा है तो योग बराबर क्या हो जाएगा 15 + 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 27, यही हमारा योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय विक्रयमूल और क्रयमूल का अनुपात दिया हुआ, यानी कोई वस्तु है 5 रुपये में खरीद रहा और 7 रुपये में उसे क्या कर रहा है बेच रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि होगा। तो देखिए, कम में खरीदिएगा बेसी में बेचिएगा तो लाभ ही ना होगा, तो कितना का लाभ हो रहा है 2 रुपया का लाभ हो रहा है, कितने पे तो 5 रुपये पर × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10 20 × 40 हम कहेंगे 40% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। करें, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। अब कोई आयत है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है चौड़ाई। अब एक चीज देखिए, आयत कभी भी होता है ना कि ये इसका 90 डिग्री का कोण बनाता है, चारों भुजाओं पे 90 डिग्री का आयत का कोण बनाता है, आयत का ये फॉर्मेट ही है। तो देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो हम क्या करें, कर्ण स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा चौड़ाई यानी आधार बी का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे समझ में। अब देखिए, ये हमारा 400 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 256 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 12, हमको चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में क्या कह रहा है ना कि 2009 से 2013 में कहवा का उत्पादन का औसत ज्ञात करें, 2009 से 2011 तक का उत्पादन औसत उत्पादन ज्ञात करें। तो औसत बराबर क्या हो जाता है, औसत बराबर होता है योग अपॉन संख्या। अब देखिए 2009 से 2011 का योग कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 800, 2000 2000 एक 3000 यानी 3500, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3500। एक साल दो साल तीन साल, संख्या तीन साल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करिए, तो तीन एक तीन, तीन तीन एक तीन हो जाएगा, तीन छः का 18 हो जाएगा और तीन छः का 18 हो जाएगा। हम देंगे कि 1166.66 इतना हमारा औसत निकल के आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दंड आरेख का 2009 से 2013 तक के कहवा का उत्पादन का 1000 टनों में दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि 2011 का उत्पादन 2009 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा, 2009 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा। तो 2009 को नीचे लिखना होगा, यानी 800 नीचे लिखिए, और 2011 का उत्पादन 2011 ऊपर हो जाएगा यानी 1500 ऊपर हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। अब देखिए ये जीरो से जीरो कट जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 8 सात 56, 8 अठाई 64 हो जाएगा, 64 ये 60 हो जाएगा, 8 सात 56, 8 पचे 40, हम कहेंगे 187.5% हमारा यही आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत है 2011 का उत्पादन 2009 के उत्पादन से इतना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 65 क्या कह रहा है कि मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गृह नगर जाता है। अब 45 किलोमीटर, अब यहाँ से कोई दूरी होगा गृहनगर, ये क्या कह रहा है ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो घर लौटता है, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या करता है, घर लौट के आता है। कह रहा है उससे जाने और आने में टोटल 21 घंटा लगता है, समय हमको कितना लग रहा है 21 घंटा, और कह रहा है दोनों के बीच में की दूरी जो है ना 360 किलोमीटर है। अब जाने में लगा समय प्लस आने में समय लगा बराबर टोटल समय, यही हमारा समय हो जाएगा। समय बराबर समय पुट कर देंगे, समय बराबर समय पुट कर देंगे। अब देखिए जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल होता है, तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा 360 अपॉन चाल कितना हो जाएगा 40, प्लस आने में लगा समय तो आएगा भी तो कितना 360 ही दूरी तय करेगा, जितना जाएगा उतना आएगा, तो 360 अपॉन चाल कितना हो जाएगा वाई, बराबर टोटल घंटा 21 घंटा। अब देखिए ये 4 9 36, तो 360 अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 12, अब इसको करिए तो 12 3 36, तो हम कहेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। हम कहेंगे वो बंदा क्या कर रहा है ना 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये रिटर्न लौट के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 66 देखिए, कह रहा है कि पी क्यू एक साथ एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। P और Q क्या करता है, 20 दिन में पूरा करता है। P अकेले उस कार्य को 36 दिन में करता है। P अकेले उस कार्य को क्या करता है, 36 दिन में पूरा करता है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, करा क्यों अकेले उस काम को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, क्यों को अकेला उस काम को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेके क्या करिएगा ना, अब बनाने की कोशिश करें, एलसीएम ले लिया दोनों का तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। हम कहेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 180 हो जाएगा। अब इसको देखिए डिवाइड करिए, काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 9 दिन में कट जाएगा, ये 5 दिन में कटेगा। तो हम कहेंगे पी जो है ना अकेला 5 दिन में एक दिन में 5 काम करेगा, और पी क्यू दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे, और टोटल काम हमारा 180 है। तो हम कहेंगे अगर पी 5 काम किया होगा तो क्यू कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा, तभी तो दोनों मिलके कितना 9 काम कर रहे हैं। तो कह रहे क्यू को अकेला कितना समय लगेगा, तो क्यू द्वारा समय लगा, टोटल काम 180 है, एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 180 बटा 4, यही दिन हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर आ रहा है, आंसर इसका आ जा रहा है 4 16 4 5 20, हम कहेंगे 45 दिन उसको टोटल काम करने में लग जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 2 अनुपात 5 अनुपात और कितना दिया हुआ, 3 अनुपात 8 अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है चारों संख्याओं का योग हमको दिया हुआ कितना, योग हमको दे दिया है 432, हमको योग दे दिया है 432 ये दे दिया है। अब देखिए रेशियो में कितना योग हो जाएगा, तो 8 3 11 11 5 16 16 2 18, यानी रेशियो में हमारा 18 योग हो रहा है। अब क्वेश्चन में टोटल योग कितना दे दिया 432, अब इसको काट दीजिए, 18 दुना के क्या हो जाएगा 36, 36 18 18 6 72,
यानी एक रेसी के बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमसे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है पहले और चौथे संख्याओं का योग हो जाए, क्या होगा, पहले और चौथे संख्याओं का योग, यानी 10 रेशियो बराबर पूछ रहा है, तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुना है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई से दोगुना है, यानी ट्रेन का मैंने x मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x हो जाएगा। अब कह रहा है ना ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर है, जो चाल जो है ना, स्पीड जो है ना 144 किलोमीटर पर आवर है। हमसे कह रहा है ना कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड समय लगता है, कितना समय लगता है, 30 सेकेंड समय लगता है। तो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई हमसे, यानी हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई, f की लंबाई हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। अब देखिए सब में ना सेकेंड में दिया हुआ है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लंबाई मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो देखिए इसको 5/18 हमको किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड यानी छोटा यूनिट में करना है, तो छोटा यूनिट में करने के लिए क्या करेंगे, छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए काटिए, 18 बटे 144 यानी 15 बटे 40, हम कहेंगे 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रफ्तार इसका चाल है। अब देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी अपन चाल, तो दूरी क्या, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, तो 2x + x अचाल कितना है 40, तो ये 40 हो जाएगा। अब क्या करिए ना, देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30 × 40 × 30 हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। अब 3 × 10 = 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, यानी x का मान 4 रखिए तो 4 × 8, हम कहें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, 800 मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। करें एक बस्ती में बच्चे और महिलाएँ और पुरुषों का अनुपात, यानी बच्चे महिलाएं यानी वोमैन और मैन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:4/3 दिया हुआ है। कह रहा है कि बस्ती में कम से कम 200 सदस्य रहते हैं, टोटल सदस्य कितना रहते हैं, 200 सदस्य रहते हैं, और रेशियो के हिसाब से हमारा टोटल कितना सदस्य रह रहे हैं, तो 6 × 4 = 10 × 10 = 13, यानी रेशियो के हिसाब से हमारा टोटल 13 सदस्य रह रहे हैं। तब हमसे आगे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बच्चों की बस्ती में बच्चों की न्यूनतम संख्या, बच्चों की संख्या यानी 6 रेशियो बराबर, तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 200 × 6/13, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 12 1200/13 हो जाएगा, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 13 × 9 = 117 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 13 × 26 92 point something आएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में मिला लीजिए 92 के नियरेस्ट में कौन संख्या है, तो 92 का नियरेस्ट में है 96, यानी हमारा क्या हो जाएगा, लमसम में 96, यही हमारा हो जाएगा, बस्ती में टोटल 96 बच्चे रह रहे हैं। अब देखिए इसमें फिक्स आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि कम से कम में कम दे दिया है, और कह रहा है ऑप्शन में बच्चों का न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं निकलेगा, ऐसे समझ में। 71 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। कह रहा है 31 से अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपया, यानी मार्केटिंग प्राइस कितना है, LPA हमको दिया हुआ है 1200 रुपया। कह रहा है ना कि इस पे 31% की छूट दिया जाता है, यदि लाभ 15% होता है तो लागत मूल्य क्या होगा, हमसे पूछ रहा है CP। अब देखिए कोई भी MP है मार्केटिंग प्राइस पे, अगर जितना परसेंट का छूट दीजिएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, और कोई वस्तु का जितना कॉस्ट प्राइस होता है, जितना उस पर प्रॉफिट होता है, वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यानी हम कह सकते हैं MP × क्या हो जाएगा, छूट परसेंटेज, अब बराबर क्या होता है, CP लाभ परसेंट, ये हमारा एक फॉर्मेट होता है, इसी पर बैठाइएगा आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए MP कितना है, 1200, और इस पर 31% का छूट दे रहा है, 31% का छूट दे रहा है, यानी बेचता कितना में होगा, 69% में बेचता होगा, तो 69/100 CP कितना हो जाएगा, CP हमको निकालना है। कह रहा है ना कि 15% का लाभ होता है, यानी 100% CP होगा तो 15% का लाभ, यानी 115/100 हो जाएगा। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, अब 5 से काटिए, 5 × 10 = 15, अब 5 × 10 = 25, यानी 240 हो जाएगा, और 23 × 169, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0 × 0 = 3, 6 × 12 = 2, और 3 × 7 = 7। हम कहेंगे CP हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 720 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 50% से तथा चौड़ाई में 25% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए लंबाई को 50% से बढ़ा दिया जाए ये लिखना चाहिए, मगर यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा सा क्वेश्चन में किया हुआ है। लंबाई को कह रहा है ना कि घटाइएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, 50% कह रहा है बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में क्या कर रहा है 25% घटा दिया जाए। इसमें कह रहा है 25% घटा दिया जाए तो कह रहा है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया, एरिया बराबर आयत का एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इस पे एक प्रभाव सूत्र काम करता है, प्रभाव सूत्र क्या कहता है कि जब भी हमको प्रतिशत गुणा में 2% दे दिया जाए तो हमारा तुम फार्मूला प्रयोग कर सकते हो, यही हमसे प्रभाव सूत्र कहता है। यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 यही हमसे बोलता है। अब देखिए x के जगह पे कितना 50% का वृद्धि हो रहा है यानी 50% और यहाँ पे 25% का कमी हो रहा है यानी 25% और यहाँ पे देखिए प्लस 50 प्लस में और माइनस 25 में अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे समझ में 50 गुना के 100 दो से काटिएगा तो कितना हो 12.5%। अब देखिए इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 12.5%, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12.5%। इतना हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, प्लस में आ रहा है यानी वृद्धि दर्शा रहा है, माइनस में आता तो कमी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 कह रहा है प्रथम वस्तु का विक्रय मूल 470 रुपया है। प्रथम वस्तु का विक्रय मूल यानी हमारा फर्स्ट वस्तु है जिसका विक्रय मूल कितना दिया हुआ है 470 रुपया। फिर आगे कह रहा है दूसरे वस्तु का लागत मूल 470 रुपया है। कोई सेकेंड वस्तु है जिसका लागत यानी CP 470 रुपया है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है पहले वस्तु पर 20% की हानि, पहले वस्तु पर 20% की हानि और दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो कुल मिलाकर हानि हुआ या प्रतिशत हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, यही हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि आप दोनों को मिक्सअप करिएगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस है तो CP को हम लोग कभी भी क्या मानते हैं 100% मानते हैं तो 100% हमारा CP हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा CP हमारा हो जाएगा 100%। अब कह रहा है ना कि 20% का हानि हुआ यानी बेचा होगा 80% में तो हम कहेंगे 80% बराबर कितना हो जाएगा 470 रुपया। तो हमको CP निकालना होगा ताकि इसका CP निकाल लेंगे, इसका CP निकाल लेंगे, इसका CP दिया हुआ है दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा टोटल CP निकल जाएगा। इसका SP दिया हुआ है, इसका SP निकाल लेंगे तो टोटल SP हमारा निकल जाएगा। अब दोनों में से घाटा बढ़ा देख लेंगे, देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब देखिए 80% बराबर इतना हो जाएगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यही हमारा CP हो जाएगा। तो 470/80 × 100 हो जाएगा, 20×4=80 हो जाएगा, 20×5=100 हो जाएगा। अब काटिए इसको, 4×4 हो जाएगा, 4×4 हो जाएगा, 4×7=28 हो जाएगा, 4×5=20 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 50×25 5×7=35 और 2×37 के साथ 3×5=3=8 हो जाएगा, 5×5 तो हम कहते 587.05 रुपया क्या आएगा इसका, इसका CP हो गया। प्रथम वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना रुपया है। अब दूसरे वस्तु का CP हमारा कितना है 100%, तो 100% बराबर कितना दे रहा है 470 रुपया। तो हमको कह रहा है ना कि जब बेच रहा है ना तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी सेलिंग कर रहा होगा 120% में तो हम कहेंगे 120% बराबर क्या होगा, तो 470/100 × 120। अब इसको काट दीजिए, 20×6=120, 20×5=100 हो जाएगा, 5×9=45, 5×6=20 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 4×6=24 हाथ में लगा 2, 6×9=54, 54 तो हम कहेंगे SP इसका कितना हो जाएगा 564 रुपया हो जाएगा। अब देखिए टोटल CP हम देख लेते हैं, टोटल CP कितना हो जाएगा, इसका कितना है 587.5 और प्लस इसका कितना है 470 रुपया। अब इसको जोड़िए तो 0.5 हो जाएगा, 0×7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8×7=15, 5×9=10 हम कहेंगे 1057.50 रुपया कितना हो जाएगा टोटल CP हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा, तो SP देखिए फर्स्ट का SP हमको दिया हुआ 470 रुपया और इसका SP कितना दिया हुआ है, इसका SP दे दिया 564 रुपया। अब दोनों को जोड़िए तो 4×4 हो जाएगा, 7×6=13, हाथ में लग गया 1×5=9=10, 1034 रुपया क्या हो गया हमारा, 1034 रुपया टोटल हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब हमको क्या हो गया 1034 रुपया में बेच रहा है और खरीद रहा है 1057.50 रुपया यानी हमको हानि हो रहा है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा। अब इसमें से क्या करें ना इसको घटा दीजिए तो 1057.5 माइनस
1034 अपॉन सीपी लिखेंगे तो सीपी कितना हो जाए 1057.5 आ देखिए इनटू 100 करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2.225% आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में 74 क्या कह रहा है, कह रहा है रीना टीना रीना और सीना, एक टीना है एक रीना है और एक सीना है, यह 24,000, 28,000 और 20,000 निवेश करती हैं, ये 24,000 ये 28,000 और ये कितना 20,000 रुपये क्या करती हैं निवेश करती हैं। कह रहा है ना कि टीना 8 महीना के लिए, इन्होंने 8 महीना के लिए, रीना 10 महीना के लिए, रीना 10 महीना के लिए और फिर आगे क्या कह रहा है सीना 1 वर्ष के लिए, यानी ये पूरा 12 महीना के लिए निवेश करती हैं। अब देखिए काट दिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, अब देखिए 4 से कट रहा है 4 दुना के 8 4 7 28 और 4 5 20 हो जाएगा, फिर अब कट रहा है 2 से कट रहा है 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये 24 रेशियो में हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 12 रेशियो में हो जाएगा और ये कितना हो गया 6 5 11 ये 11 रेशियो में हो गया। अब टोटल हमको कितना दे रहा है, लाभ दिया हुआ है हमको, लाभ दिया हुआ 25,810, लाभ दिया हुआ है हमको 25,810 रुपया दिया हुआ है। अब ये हमारा क्या रेशियो जो निकलता है ना वो लाभ का रेशियो निकलता है, तो दोनों को जोड़िए, तो जोड़िए लाभ रेशियो में इतना हो गया और क्वेश्चन में हमको लाभ इतना दे दिया, तो लाभ बराबर लाभ, तो 3 3 4 3 7 हो जाएगा और 2 2 4 यानी 47 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 25,110 रुपया। इसको काटिएगा तो कितना कानून में कर जाएंगे 29 दुना के इतना हो जाएगा 290 यानी 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 290। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टीना का हिस्सा, तो टीना का हिस्सा कितना हो जाएगा, टीना का हिस्सा यानी 24 रेशियो बराबर कितना 6960 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आए समझ में, 24 रेशियो बराबर निकालिएगा तो 6960 रुपया आ जाएगा। नंबर 75 में क्या कर रहा है ना कि हमको पूछ रहा है कि माध्यिका क्या होगा। अब देखिए माध्यिका निकालने का तरीका, अगर माध्य पूछता है तो हम क्या करते हैं टोटल को जोड़ देते और टोटल देख लेते कितना संख्या डिवाइड करते तो हमारा माध्य निकल जाता है। अब माध्यिका निकालने का एक ही तरीका होता है, ये तरीका होता है कि इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी क्रम में सजा दीजिए, तो मैंने बढ़ते क्रम में सजा रहा हूँ, तो पहले लिखिए 1 फिर 1 के बाद 1 नहीं है फिर इसके बाद 2 2 2 के बाद 3 3 1 1 3 ये हो गया, 3 के बाद 4 है 4 नहीं है 5 है 5 लिखिए, 5 के बाद कौन है 6 है तो 6 लिखिए, 6 के बाद 7 है 7 नहीं है 8 है 8 लिखिए और फिर एक और 8 है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 टोटल संख्या हमारा कितना है 9 है, जो बीच वाली होती है उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो देखिए 2 2 4 4 इधर से काट दीजिए 4 इधर से काट दीजिए, बीच में कौन बच गया 3, तो यानी हमारा माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 3। यही बहुलक पूछता है तो हम देखते हैं कौन सी संख्या ज़्यादा बड़ा है उसको बहुलक कहते हैं, तो वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो आप लोग को टोटल मैंने क्वेश्चन कितना बता दिया, 75 क्वेश्चन फाइनल बता दिया। आप लोग क्या करिए ना कि इसको बना के और बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि कितना आपने बनाया। चलते हैं और आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्या करिए सेट को लगाते रहिए, दम लगा के एकदम मेहनत करिए। चलते हैं, ओके जय।